क्या नाम रहा साहब आपका? मैं डॉक्टर मनीष शर्मा। मनीष जी ये बताइए, आज यहाँ पे मेडिकल में कैंप लगाया गया है, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं विधान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि रोहतक में दिल्ली बाईपास पर स्थित है, उसमें एज सर्जन और डायरेक्टर हूँ। हमारे पास हमारे हॉस्पिटल में गायनी और तो मेडिसिन यहाँ पर आज गले के, कान के, नाक के, घुटनों के दर्द, छाती में दर्द, सांस की तकलीफ, पथरियों के ऑपरेशन के बारे में पूछताछ, इस तरह के मरीज आए हैं। डीगल गांव के जो लोग आए हैं दिखाने के लिए, उन्हें मुख्य रूप से जो बीमारी देखने को मिली हो क्या मिली हो? उनमें बीमारियां जो हैं, सांस की तकलीफ है, जो ओल्ड एज में है, मतलब ज़्यादा सांस की तकलीफ है, जो सांस की तकलीफ है, और साथ में जो बाथरूम की तकलीफें हैं, जो ओल्ड एज के अंदर जाकर के गदूद बढ़ जाते हैं उसकी वजह से। आज ये जो यहाँ कैंप लगाया गया है, हाँ जी, तो ये जैसे दवाइयाँ भी दी गई हैं? हाँ, ये दवाइयाँ भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त दी हैं, जो हम दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। हाँ जी। और जैसे आँखों का भी लगाया गया होगा? हाँ जी, आँखें भी चेक हुई हैं, उनके लिए चश्मे भी वितरित किए गए होंगे। चश्मे तो जो है उसको बड़ी मशीनों से चेक करने के बाद ही प्रोवाइड किए जा सकते हैं। उनको बता दिया गया जिनकी नज़रें कमज़ोर हैं या जिनको मोतिया है कि, ताकि वो अपना आगे का फर्दर इलाज करवा सकें। अच्छा, आपने जो मरीज़ हैं उनको देखने के बाद कुछ मरीजों में गंभीर बीमारी के भी लक्षण दिखे होंगे? हाँ जी। तो उनमें क्या आपने सजेशन दिया? उसमें बीमारी के हिसाब से जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे किसी पेशेंट को चेस्ट एक्सरे की ज़रूरत है, या ECG की ज़रूरत है, या इकोकार्डियोग्राफी की ज़रूरत है, या कोई और दूरबीन की जाँच की ज़रूरत है, जो कि इस कैंप में नहीं हो सकती, उनको एडवाइस की गई है ताकि वो करवाएँ। ये ज़रूरी नहीं कि वो हमारे अस्पताल में आके करवाएं, वो कहीं भी करवाएं हमारी तरफ से। हमारा काम है सिर्फ बीमारी और उसका इलाज बताना। मरीज कहाँ पे अपना इलाज कराता है वो मरीज का अधिकार है, लगता है। जितनी भी पेट की बीमारियां हैं वो सारी हमारे खान पान से ही संबंधित होती हैं। मोटी बात में सिर्फ यही कहा जा सकता है, इंसान अपना खान पान सुधार ले तो सारी बीमारियाँ से बच सकते। नमस्कार अमित जी, यहाँ पे किसी जगह कैंप लगाया गया? ये निदान हॉस्पिटल, निदान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि रोहतक सेक्टर 1 के सामने है, उस हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ, हॉस्पिटल रोहतक से ये पूरा का पूरा स्टाफ यहाँ पे आया हुआ है। काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर मनीष वर्मा हैं, डॉक्टर गौरव नांदल हैं, सर्जन हैं, PGI से रिटायर्ड डॉक्टर हैं सारे के सारे, और बड़ा ही अच्छा हॉस्पिटल है और भी है जो यहाँ पेशेंटों के साथ जो हमने यहाँ देखा है, तो बड़े अच्छे से सबको चेक कर रहे हैं सभी डॉक्टर्स। पूरी दवाइयाँ यहाँ दी जा रही हैं, पूरी लैब के साथ आए हैं, सारे टेस्ट यहाँ किए जा रहे हैं। विदेश से डॉक्टर नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे अपने PGI से रिटायर्ड बड़े अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, सारे MBBS MD हैं, सारा का सारा स्टाफ बहुत ही अच्छा स्टाफ है। PGI से सारे रिटायर्ड, हाँ, पाँचों के पाँचों सर्जन हैं, सारे के सारे PGI से रिटायर्ड हैं। की सेवा की गई है? हाँ, 300 पेशेंट देखे हैं। हाँ जी, 300+ हो गए हैं। 300+ हो गए। हाँ जी। तो क्या कुछ बीमारियाँ देखने को मिली? हर एक बीमारी का जो ट्रीटमेंट है यहाँ पे किया गया, कोई चार्ज नहीं लिया गया उसमें। लोगों में मुख्य रूप से क्या बीमारी देखने को मिली? लोगों में ज़्यादातर तो जैसे स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम है, औरतों की है ज़्यादातर, तो यही है, ये शुगर वगैरह जैसे ये ज़्यादातर चली हुई है। शुगर से बचने के लिए क्या उपाय किए जा? शुगर से बचने के लिए देखो, वो तो डॉक्टर ही बता रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, जो भी मेडिसिन की जिस पेशेंट को आवश्यकता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट दिखा रहे हैं।